राज्य में हाल वरसाद की कोई संभावना नहीं। आगामी पांच दिवस गुजरात में वरसाद की नहीवत संभावना है। सात दिवस दरमियान केटलाक भाग में सामान्य वरसाद पड़ी शके छे। तो अमदावाद गांधीनगर में वरसाद की कोई आगाही नहीं। राज्य में अत्यार सुधी में सीजन 93% वरसाद नोंधायो छे। राज्य में हजू 7% सीजनल वरसाद बाकी छे। दाहोद गांधीनगर में सीजन सौथी ओछो वरसाद नोंधायो छे। गुजरात स्टेट में ज्यादा बारिश होने का कोई संभावना नहीं है। छुटपुट बारिश हो सकती है, यानी लाइट रेन होने का संभावना है। कहीं कहीं जगह में मॉडरेट रेन भी हो सकता है। अभी मतलब पूरे गुजरात में कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट में बारिश रहेगी, लेकिन एक आध जगह में इट इज मतलब मोस्टली जो डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेगी। ऐसे जो अगले 7 दिन के लिए देखेंगे तो एक कोई एक डिस्ट्रिक्ट छूट जाएगा, कोई एक डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। अलग मतलब ऐसे ओवरऑली बोल सकते हैं आइसोलेटेड प्लेसेस में डिस्ट्रिक्ट, कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, नॉर्थ में भी हो सकता है, साउथ में भी हो सकता है, लेकिन सेंट्रल गुजरात में भी हो सकता है। और अहमदाबाद गांधीनगर देखा जाए तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टमेटिक नहीं रहेगा। कहीं एक जगह में लाइट रेन हो सकता है। एंड अहमदाबाद सिटी के लिए हमने ये भी रखा है लाइट रेन वेरी लाइटली इन सम एरियाज। कुछ कुछ एरिया में लाइट रेन होगा, कुछ कुछ एरिया में ना भी हो सकता है। अभी कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है जो कि गुड रेन एक्टिविटी गुजरात को देने वाला, कोई ऐसे सिस्टम नहीं है। अभी अगले 5 दिन के लिए किसान वाणी मिल रहा है। अभी तक जो बारिश हुआ है अभी भी 50% एक्सेस में है गुजरात स्टेट एज ए होल देखा जाए तो। और सीजनल रेन से 93% रेन हो चुका है, अभी 7% रेन बाकी है। ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बारिश नहीं हुई अच्छा तो कम हुई बारिश कैसे? अभी 2 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें डिफिशियंट में चल रहा है, जैसे दाहोद, और एक भी डिस्ट्रिक्ट है गांधीनगर साइड, गांधीनगर में भी डिफिशियंट।